नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED सेकेंड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 बहुविकल्पीय प्रश्न। इन सभी प्रश्नों के मैं आपको हल करके बताऊंगा और एक एक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करते चलूँगा। अगर ये सारे प्रश्न आपने समझ लिए तो ये मान के चलो कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो समस्या है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने यहाँ पर इसमें शामिल किया हुआ है प्रश्नों को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो समय होता है वो ज़्यादा नहीं लगाना होता है, क्योंकि यही समय उठाकर आपको आगे लघुत्तरीय प्रश्नों में लगाना होता है। इसीलिए इन प्रश्नों में ज़्यादा समय नहीं लगाना है, इनको इतने अच्छे से समझ लीजिए कि एक प्रश्न में बहुत ज़्यादा अगर खर्चा हो आपका तो आधा मिनट से ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चन हैं आपके बहुविकल्पी के, तो आपका 2.5 मिनट में ये 5 क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाने चाहिए, इतनी तेज़ी से ये करना चाहिए। और अगर मैक्सिमम टाइम लेना चाह रहे हैं तो 5 क्वेश्चन 5 मिनट से ज़्यादा तो होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो 30 बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको देखते हैं और उनके आंसर आपको बताते हैं कैसे इन प्रश्नों को करना है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो 2016 का जो प्रश्न पत्र DLED सेकेंड सेमेस्टर का आया था। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, 16 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखो। यहाँ पर जब भी पूर्ववर्ती आए तो लिखना है -1, यानी 16 - 1 = 15। अगर यहाँ पर आ जाए अनुवर्ती, क्या आ जाए, अनुवर्ती, या आ जाए परवर्ती, ठीक, तो वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पर +1 करना होगा। मान चलो बोल दे 16 की अनुवर्ती संख्या बताओ, तो 16 + 1 = 17, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पर ये भी समझ लो, कहीं कहीं आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, लिख देते हैं केवल 15 और लिख देंगे 15 और 14। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब -1 करेंगे तो हमें केवल 15 ही प्राप्त हो रहा है, 14 तो प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा केवल 15, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है केवल 15। यहाँ पर देखो कन्फ्यूज़ करने के लिए 15 और 14 दे रखा है, लेकिन ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ केवल 15 इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 है, x + 2 = -7। यहाँ पर x का मान आपको बताना है, इतना इजी क्वेश्चन है कि कुछ पूछो ही मत। ये +2 उठाकर उधर फेंक दो, -7 - 2 x = -9। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये +2 = के उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ +2 उधर जाएगा, -2 हो जाएगा, -7 - 2 दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह लगेगा माइनस का, x = -9। कोई डाउट हो किसी भी प्रश्न में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने, a + b + c - a + b - c। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपका a + b + c, यहाँ पर ये ऐसे ही लिख देंगे। अब ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट के बाहर लगाए माइनस का निशान। जब भी ब्रैकेट के बाहर, चाहे ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, a लिखा हो, 1 लिखा हो, मतलब चाहे डिजिट लिखी हो, चाहे लेटर्स लिखे हों, सबके चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और a का चिन्ह कितना है, ये प्लस का है, जहाँ कुछ नहीं लिखा इसका मतलब प्लस का है, तो a क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -a। यहाँ पर b कैसा है, b है आपका प्लस में, तो b भी आपका माइनस में हो जाएगा। c माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर देख लो, ये a प्लस का है, ये a माइनस का है, कट जाएगा। ये b प्लस का है, ये b माइनस का है, कट जाएगा। ये c प्लस का है, ये भी c प्लस का है, यानी दोनों प्लस के, तो दोनों को जोड़ दो, 2c इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। 45 / 5 + 4, यहाँ पर वही सूत्र फॉलो होगा बॉड मॉस का। ठीक, सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, ओ ऑफ मतलब ऑफ भी नहीं है, ऑफ को हम लोग का भी कहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं लिख के आ जाता है ना, 4 का
3, तो वहाँ पर क्या होगा 4 × 3। डी मतलब डिवीज़न, तो यहाँ पर डिवीज़न है, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लो। 45 में जब 5 का डिवीज़न करेंगे, करके देख लेना, 9 आ जाएगा। ठीक, 45 में जब 5 का डिवीज़न करेंगे तो आएगा 9, तो इसके नीचे 9 लिख दो, प्लस का 4। अब सिर्फ प्लस ही बचा है तो इसको प्लस कर दो, 9 × 4 = 13 उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर कहीं 13 तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो 13 ही इसका उत्तर आएगा। 45 में 5 का डिवाइड करेंगे 9 आएगा, और प्लस 4 करेंगे, 9 × 4 = 13। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, b² - a² का मान क्या होगा। देखो ये वो वाला फार्मूला यहाँ पर लगाया जा रहा है, a² - b² = a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, यही फार्मूला तो यहाँ पर लग रहा है। केवल क्या किया गया, b उठा के पहले रख दिया, a उठा के पहले बाद में रख दिया। देखो लेटर्स को इधर से उधर करने में आपका फार्मूला बदलेगा नहीं कभी, फार्मूला वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा b + a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में b - a। ठीक, b² - a² है, तो b + a एक ब्रैकेट में, b - a एक ब्रैकेट में, यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही उत्तर है। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखो सब में ऑप्शन में 10-10 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस परिमेय संख्या में भी हम नीचे 10 ले आएँ तो हमें मैच करने में आसानी होगी कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। तो 3/5 में नीचे 10 कैसे आएगा, 2 से गुणा कर दो, तो ऊपर से भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 6/10। ठीक है, अब यहाँ पर 6/10 देख लो, 6/10 से बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो तो बराबर है, यहाँ पर हमें बताना है बड़ी संख्या, तो ये तो पहले ही काट दो। ठीक है, अब यहाँ पर 6/10 जो है वो पॉजिटिव की संख्या है, और ऑप्शन नंबर 2 में माइनस की संख्या दे रखी है, तो इसका मतलब माइनस की संख्या तो ऑलरेडी छोटी है, तो ये बड़ी तो है नहीं, इसको काट दो। अब यहाँ पर 6/10 से बड़ी संख्या के लिए 2 ऑप्शन बच रहे हैं, 4/10 और 7/10, तो आप आसानी से देख सकते हैं 4/10 छोटी है। आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 7/10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य संख्याएँ कितनी होती हैं। तो याद कर लीजिए, अनंत होती हैं। कैसे होगा, देखो मान चलो कोई 5/6 परिमेय संख्या ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं समतुल्य संख्या, अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि इसके समतुल्य संख्याएं लिखो, तो समतुल्य संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। मान के चलो 5/6 के समतुल्य संख्याएं लिखनी है, तो 5 में जिस संख्या का गुणा करो उसी में 6 का गुणा करो, तो वो उसके समतुल्य हो जाएगी। ठीक, अब 5/6 के समतुल्य संख्या कितनी है, 10/12। अच्छा, नंबर तो अनलिमिटेड होते हैं ना, अनंत होते हैं, तो आप गुणा करते जाओ, 5 × 3 = 6 × 3, ये भी इसका जो उत्तर आएगा वो भी समतुल्य होगा 5/6 के। 5 × 4 = 6 × 4, इसका जो गुणनफल आएगा वो भी 5/6 के समतुल्य होगा। मतलब 5/6 में किसी भी नंबर से गुणा करते चले जाओ, वो जो गुणनफल आएगा वो 5/6 के समतुल्य होगा, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो क्या होता है, अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर से पूर्ववर्ती वाला आ गया, 48 की पूर्ववर्ती की पूर्ववर्ती बताना है, मतलब 48 की तो पूर्ववर्ती कितनी होगी, 47। अब 47 की भी पूर्ववर्ती बताओ, तो ये आपकी हो जाएगी 46। तो 46 कहीं ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2, a² - b² / a - b² सरल करना इसे। देखो यहाँ पर a² - b² वाला फार्मूला लगाओ, तो इसका क्या होगा, a + b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b / a - b का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, इसको दो बार लिख दो, a - b a - b। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इसको आपने एक्सपेंड क्यों नहीं किया, मतलब a - b² को हमने ये क्यों नहीं लिखा a² + b² - 2ab। आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं उठ रहा है तो इसका मतलब आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये प्रश्न जरूर उठना चाहिए कि आपने a - b का होल स्क्वायर ये क्यों नहीं किया, a² + b² - 2ab। यहाँ पर हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें यहाँ पर इसको सरल करना है ज़्यादा से ज़्यादा,
तो जब आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया, तो आपने यहाँ पर देखा कि ए माइनस बी है यहाँ पर, और नीचे क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें सरल करना है, सरल करने के लिए हमें ऐसा कुछ नीचे ले आना है कि थोड़ा कट पिट जाए कुछ। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको क्या करो, ये काट दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी, नीचे बचेगा ए माइनस बी। बताओ कहीं ऑप्शन में है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, एक एक चीज़ समझते चलो, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, फिर से सरल सा प्रश्न आ गया, सरल प्रश्न ही पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में। 6×18 डिवाइड बाय 3+10, वही वाला रूल लगाओ, बर्ड मस, सबसे पहले डिवीजन, तो डिवीजन इन दोनों के बीच में है, 6×18 डिवाइड बाय 3 यानी 3×6 18, 6 आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस का 10। अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन किसके बीच में, 6×6 के बीच में, 36 प्लस 10, अब तो कुछ बचा ही नहीं, जो बचा वही कर दो, 46 इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर से सरल सा क्वेश्चन, मैंने बता दिया ना बहुविकल्पी में सरल ही आते हैं। 2x+4 = x+6, देखो अच्छा ये भी कोई कोई के लिए काफ़ी हार्ड होंगे, क्यों हार्ड होंगे, क्योंकि उन लोगों ने ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन देखे नहीं हैं, तो इसको भी करके देख लो। 2x, एक्स एक्स को एक तरफ कर दो, ये प्लस का x है, माइनस का हो जाएगा इधर आएगा, तो ये 6, ये प्लस का 4 है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। 2x में x घटेगा, x आ जाएगा, 6 में 4 घटेगा, 2 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो गया। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या पाँच कह रहे हैं 15, 30, 45 का मासा ज्ञात करो। देखो मासा ज्ञात करना बहुत आसान है, या तो आप इन सभी के गुणनखंड कर लो अलग अलग, 15 का अलग कर लो, 30 का अलग कर लो, 45 का अलग कर लो, फिर उनके जो मल्टीप्लिकेशन आते हैं यानी गुणनखंड आते हैं उनमें से आप जो कॉमन हो वो निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे भी सरल टेक्निक है भाग विधि से करना। सबसे पहले क्या करो, सबसे छोटी संख्या ले लो, इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 15, यहाँ हमने लिख दिया 15, उससे बड़ी कौन सी है, 30 है, तो 15 से 30 में दे दो भाग, 15×30, अगर ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यानी यहाँ पर जो अंतिम भाजक क्या कहलाएगा, अंतिम भाजक होगा 15, ठीक, अंतिम भाजक 15, क्योंकि 30 पूरा पूरा कट गया तो अंतिम भाजक 15 हो गया। अब इसी 15 से उठा के 45 को डिवाइड कर दो, 15×3=45, यानी ये भी पूरा पूरा कट गया, तो हम ये कह सकते हैं 15×30=45 का जो मासा निकल के आएगा, मासा सदैव अंतिम भाजक होता है, तो यहाँ पर 15 अंतिम भाजक आ रहा, तो ये 15 इसका मासा हो जाएगा। क्लियर हो गई, देखो ये बहुत तेज़ी से होता है, और लेकिन गुणनखंड जब करते हैं 15 का अलग गुणनखंड करो, 30 का अलग करो, 45 का अलग करो, उसमें थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, सबसे पहले छोटी संख्या पकड़ लो, फटाफट उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दे दो, जो भी आपका अंतिम भाजक है, कभी कभी यहाँ पर शेष फल बच जाता है, तो अब यहाँ पर जो शेष फल बचेगा उससे भाग दे दो इसको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ शेष फल बचा नहीं, तो इसका मतलब यही अंतिम भाजक हो गया। अब इसी अंतिम भाजक से जो उससे बड़ी संख्या उसको डिवाइड कर दो, अगर पूरा पूरा कट जा रहा है एक ही बार में, तो आप क्या करो, इसी को अंतिम भाजक घोषित करके मासा इसका आंसर दे दो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पूर्ववर्ती संख्या बताओ, 15 की पूर्ववर्ती 14 होगी। अगला क्वेश्चन 180 और 192 का मासा ज्ञात करो। देखो ये समझ लो, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, 180 और 192 केवल दो संख्याएं, आसानी से हो जाएगा। 180 छोटा है, 192 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसमें भाग दे दो छोटे वाले से। 180 एकम 180, ठीक, 92 में 80 गया, 12 बचा, ठीक, एक में एक ये कट जाएगा, 12 से अब ये जो शेष फल बचा, इस 12 से 180 को भाग दे दो, ठीक, 12×12 6 बचा, 0 उतार लिया, अब 12×5=60 कट गया पूरा पूरा, यानी अंतिम जो भाजक यहाँ पर क्या होगा, अंतिम भाजक क्या होगा आपका, 12, ठीक, अंतिम भाजक 12, अतः मासा
180 और 192 का जो मासा है वो 12 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये देखो 2 इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला ही वाला अंतिम भाजक नहीं बना, यहाँ पर जो शेष फल बचा था वो अंतिम भाजक बचा। तो ये अच्छे से समझ लो, ये बहुत जल्दी हो जाता है, जो गुणनखंड आप करते हैं ना उसमें टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मोहिंदर की वर्तमान उम्र बताओ यदि 10 वर्ष पहले वह 35 का था। 10 वर्ष पहले वह 35 का था तो जब 10 वर्ष बाद कितनी उम्र हो जाएगी, 10 जोड़ दो 45 उम्र हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुविकल्पी में आपको पूरा प्रोसेस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि लिखो यहाँ पर मोहिंदर की वर्तमान उम्र बराबर एक्स, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले कितना था, तो वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं। आप सीधा फटाफट करो 35 10 45 ऑप्शन देखो, सीधा उत्तर लिख दो कॉपी में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोई त्रिभुज है ABC, उसमें A 72 है, B 64 है, तो C बताओ। आपको मालूम है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक, अब यहाँ पर एंगल ए दे रखा है 72 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। एंगल ए 72 है, एंगल बी 64 है और एंगल सी पूछा है 180। ये 72 और 64 को जोड़ लो, 4 2 6 7 6 13 यानी 136 है। एंगल सी बराबर 180, ये 136 बराबर के उस तरफ चला जाएगा। 180 में 136 घटेगा तो आप अंदाज़ा लगा लो कितना आएगा, 10 में 6 गया 4 और 17 में 13 गया 4 यानी 44 इसका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। सबसे पहले ये चीज़ आप समझ लो कि त्रिभुज के जो अंतः कोण हैं उनका योग 180 होता है। अगर कोई भी दो कोण दे रखे हैं तो आप आसानी से तीसरा कोण निकाल सकते हो। देखो इसी में एक तरह का और क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये कह देते हैं कि समकोण, ये जो ABC है ये समकोण है। ठीक, और यहाँ कह देंगे कि एक एंगल, मान लो कोई भी कह दें एंगल ए कह दें या एंगल बी कह दें या एंगल सी कह देंगे एक एंगल आपका 50 दे रखा है। अब आप एंगल कह देंगे सी निकालो, ठीक, मतलब कह देंगे कोई तीसरा एंगल निकालो, ये कह देंगे। तो एंगल ए आपका 50 दे रखा, अब चूंकि ये समकोण है तो कोई ना कोई एंगल आपका 90 का होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। आप कहेंगे कि अरे इसमें तो केवल एक ही एंगल दे रखा है, अब बाकी के दो कैसे निकालेंगे। तो ये समकोण है, समकोण का मतलब होता है अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका एक ना एक कोई एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक तो आपको प्रश्न में दिया है और एक और आपको प्रश्न में दिया है, तो तीसरा आसानी से निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3x तथा 4z के गुणनफल में 5y घटाने पर क्या प्राप्त होगा। 3x तथा 4z का गुणनफल करो, 3x इंटू 4z हो जाएगा 4 3 12 xz। अब xz ये तो मल्टीप्लाई होना नहीं, तो एज इट इज़ रख दो। अब इसमें 5y घटाना है, 12xz माइनस 5y। अब बताओ कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है 12xz माइनस 5y। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिमेय संख्या माइनस 5/8 से छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प भी दे रखे हैं, माइनस 1/8, 2/8, 7/8 या फिर 3/8। देखो यहाँ पर छोटी परिमेय संख्या निकालनी है आपको, सब में आपको 8 दे रखा है। ठीक, सब में 8 दे रखा, तो यहाँ पर आपको हर को बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर माइनस 5/8 से छोटी की बात हो रही। तो देखो माइनस संख्या है प्रश्न में, तो जो भी प्लस में है वो तो बड़ी है पक्का। मैंने आपको बता दिया कि देखो संख्या रेखा के ज्ञान अगर आपको होगा तो मान लो बीच में 0 है, यहाँ पर होता है माइनस 1, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है माइनस 2, यहाँ होगा माइनस का 3, तो यहाँ होगा, यानी 0 है बीच में। जब इस तरफ बढ़ते हैं तो ये बड़ी संख्याएँ होती हैं, और अगर हम पीछे लौटते हैं तो ये सारी छोटी संख्या होती हैं। अब आप अगर 3 से इधर बढ़ो,
अब बताओ 3 से 1 जो है वो छोटा है कि बड़ा? अब देखो आप 3 से इधर जा रहे हो 1 की तरफ, तो 1 जो है वो छोटा होगा, जितनी भी बाएं तरफ के नंबर्स हैं वो सब छोटे हैं, ठीक है। तो मतलब माइनस के जो भी नंबर होंगे वो प्लस से हर हाल में छोटे होंगे। तो माइनस 5/8 से छोटी परिमेय संख्या देखनी है, तो यहाँ पर प्लस वाले यानी 2/8 ये तो पहले ही गलत हो गए, 3/8 तो पहले ही गलत हो गए, यानी प्लस वाले तो बड़े हैं, छोटे हैं ही नहीं, हमें छोटी परिमेय संख्या चाहिए। अब आपके पास ऑप्शन कितने बचे? केवल -1/8, -7/8। अब आप ध्यान से फिर से संख्या रेखा की अगर तरफ देखेंगे, अब देखो 8 सम में है, तो अब 8 को तो भूल जाओ, केवल ऊपर पर फोकस करो। यहाँ पर देखो 0, -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो, बताओ -1 बड़ा है कि -5 बड़ा है? माइनस जो राइट हैंड पे होगा वही बड़ा होगा, यानी -1 बड़ा है, -5 छोटा है। इसी तरह जितना नंबर बढ़ते जाओगे लेफ्ट की तरफ वो संख्या छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पर आप बताओ -5 से छोटा कौन सा होगा? -7। तो यहाँ पर -7/8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ गए, कोई डाउट हो तो बताते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9, 15, 24 का लासा निकल के क्या आएगा ये बताओ। वही कर लो, सबसे छोटी पकड़ लो, 9 पकड़ लिया, उससे बड़ी पकड़ो 15 पकड़ लिया, भाग दे दो, 9 × 1 = 9, 6 बचा, ठीक। अब जो शेष बचेगा ये उठा के यहाँ रख दो, 9, 6 × 6, 3 बचा। अब ये शेष फल बच रहा, फिर से भाग दे दो, ये जो जिससे भाग दिया था अब ये यहाँ आ जाएगा, 6, 3 × 2 = 6, यानी ये पूरा कट गया, इसमें शेष नहीं बचा। तो ये आपका अंतिम भाजक हो गया 3, लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। ये जो 3 है, अब इसी 3 से जो भी अंतिम भाजक आता है अगली संख्या को भाग देते हैं, यानी 24 को भाग देंगे इसी 3 से। तो भाग दे के देख लो, 3 × 24, 3 × 8 = 24, पूरा कट गया, यानी अंतिम भाजक आपका क्या आया? अंतिम भाजक आपका आ गया 3। अतः कह सकते हैं कि 9, 15, 24 का जो मासा होगा वो आ गया आपका 3। देखो प्रश्न में पूछा गया है लासा और हमने निकाल दिया मासा, तो ये भी समझ लो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें लासा निकालना है। फिलहाल मैंने मासा निकाल दिया, तो मासा भी आप समझ ही गए होंगे, इसका लासा निकाल कर भी दिखा देते हैं। लासा कैसे निकलता है? लासा निकालने का आसान तरीका यही है, गुणनखंड विधि। 3 से भाग दो, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, फिर से 3 से भाग दो, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और ये 8। 5 से भाग दो, 5 × 5 = 8, अब ये पूरा 8 से ही काट दो, ठीक। 3, 3, 5, 8, यानी इन सभी का आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 = 9, ठीक। 8 × 5 = 40, 40 का जब 9 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360, यानी 9, 15, 24 का जो लासा निकल के आएगा वो आएगा 360। देखो जल्दबाजी में मैंने लासा का निकाल दिया मासा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आपको। ऐसी गलती आप मत करिएगा परीक्षा में, जो आप प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं पता चला फटाफट देखा आपने यहाँ लासा है लेकिन आपने निकाल के रख दिया मासा, तो ये गलती आपको नहीं करनी, ये गलती मुझसे हो गई, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, लेकिन परीक्षा हॉल में आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि निकालना लासा है और निकाल के आप रख दो मासा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है? 80 और 90 के बीच में संख्या आती कितनी? 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। 90 तो नहीं आएगी क्योंकि बीच की केवल बात हो रही है ना, 89 तक आएगा, तो 81 तो कटता है। देखो जिसके लास्ट में 2 है वो तो भाज्य है ही, अभाज्य नहीं है, तो 2 वाले तो पहले ही काट दो, ये भी, ये भी, ये भी। अब बचा आपके पास 81, 83, 85, 87, 89। तो आप अगर ध्यान दो तो 81 जो है वो 9 से कट जाता है, यानी ये अभाज्य नहीं है, ठीक। आपका जो 85 है इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा, ये अभाज्य नहीं है। यहाँ पर जो 87 है, 8 और 7 होता है 15,
और 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 87 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आपके पास बची कौन सी संख्या, 83 और 89। यही दो ऐसी संख्या है, 83 और 89, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये है आपके सामने, 12 - 13 - 12/3। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो भी है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो सॉल्व कर लो। अब ब्रैकेट के अंदर है 13 - 12/3। अब यहाँ पर माइनस लगा है, डिवाइड लगा है, तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, डिवाइड वाला सॉल्व होगा। डिवाइड वाला सॉल्व कर लो, 12 - 13 - 12, और 3 में जब डिवाइड होगा तो आएगा 4, 3 × 12 होता है। 13 - 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी 12 - 9 = 3। इसका जो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a = 5 b = 9, a + b - 14 का मान ज्ञात करो। तो a + b - 14, ए है 5 रख दिया, बी है आपका 9 रख दिया, -14, 9 - 5 = 14 - 14 = 0 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक। 9 - 5 = 14, 14 - 14 ये 0 आ गया, इसका जो ऑप्शन 4 सही है, ठीक। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने, 10 की अनुवर्ती मतलब बाद की संख्या, 10 + 1 = 11, केवल 11 इसका सही उत्तर होगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 1000 वर्ग मीटर, 1000 मीटर, 10000 वर्ग मीटर या फिर 10000 मीटर। तो 1 हेक्टेयर में 10000 वर्ग मीटर होते हैं, कहीं पर आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये देखो सर्वांग सम वाले प्रश्न आ गए, AB = PR, BC = RQ, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये दो आपको त्रिभुज दे रखे हैं, ये आप देख लो ध्यान से प्रश्न को। AB = PR, तो देखो ये पता करने के लिए AB = PR दे रखा, तो AB यहाँ है पहले, यहाँ पर PQ पहले है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अगर AB पहले है तो PR भी पहले होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर AB = PR दे रखा है। अब सेकंड ऑप्शन में आते हैं, सेकंड ऑप्शन में देखो A यहाँ है और B यहाँ है, ठीक, तो P यहाँ है और R यहाँ है, तो इसका मतलब यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक। अब एक चीज़ और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये उत्तर एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि यही है, ये हो सकता है। आगे देखो, और BC = RQ है, ये भी आप ध्यान दो, दोनों चीज़ पे ध्यान दो, AB = PR होना चाहिए, BC = RQ होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देख लो, AB = PR सही है, और यहाँ पर देखो जो दूसरा कथन था BC = RQ, तो BC = RQ यानी दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन इसका ज़्यादा प्रॉपर सही है, ठीक है। आगे देखो फोर्थ ऑप्शन, ACB यानी A यहाँ है, ठीक, और किसको किसको बराबर दे रखा था यहाँ पर, AB = PR को दे रखा था, A यहाँ है, B यहाँ है, तो A की जगह P होना चाहिए जो कि क्यों है, ये तो गलत हो गया, ठीक। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। देखो बहुविकल्पी हैं तो सही तो एक ही कोई होगा, वो है 3। अब यहाँ पर ये आपके सामने क्वेश्चन मैंने रख दिए और इन सभी को मैंने अच्छे से समझा भी दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न हम देते हैं और उसको आप नीचे कमेंट में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। 6/10 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं कमेंट में बताओ, ठीक। 6/10 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या बताना है, नीचे कमेंट में बताइए, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ आपको भी कुछ समझ में आया। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।